नमस्कार, खरी खरी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज के नोटिस बोर्ड प्रोग्राम में दो टॉपिक रहेंगे। पहला है बड़ौदा के चक्रव्यूह में फंस गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और दूसरा चुनौतियों का आगाज किया बलराज कुंडू ने। बड़ौदा के उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और यह उपचुनाव जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं उनकी कुर्सी का सवाल भी है। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़ौदा के उपचुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़े चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इस चक्रव्यूह में अगर वो जीतकर बाहर निकलेंगे तो उनके नाम की तूती बोलेगी और वे बड़े नेताओं की कतार में शामिल हो जाएंगे। ये सबसे कमजोर गढ़ है बीजेपी का। इस गढ़ में भी अगर गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रुतबा भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल और भूपेंद्र हुड्डा के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर वे हार गए तो उनके लिए कुर्सी को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इन चुनौतियों को लेकर हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन भास्कर के संपादक हरज्ञान चौधरी के साथ। हरज्ञान जी, बड़ौदा का उपचुनाव कहीं न कहीं सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए बराबर की चुनौती लेकर आया है, और इस चुनौती में क्योंकि आमतौर पर जो उपचुनाव हो सरकार का उपचुनाव होता है, पार्टी का उपचुनाव नहीं होता, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए यह उपचुनाव हर हाल में जीतना जरूरी है, और उनकी हार और जीत का जो परिणाम है वही मनोहर लाल खट्टर के सियासी रसूख का फैसला भी करेगा। ये कुलदीप जी बात ऐसी है, क्योंकि उपचुनाव हमेशा ऐसा माना जाता है कि सरकार जीतती है, और अगर सरकार नहीं जीती तो बहुत किरकिरी होती है सरकार की, वैसे भी किरकिरी होती है, लेकिन अब जो हालात हैं कि जिस तरह के हालात यहाँ बड़ौदा में हैं और जिस तरह के बना दिए गए हैं, जिस तरह विकास की घोषणाएं की जा रही हैं, जैसे उसको मूंछ का बाल बना दिया गया है, उससे लगता है कि वो उस चुनाव को जीतने के लिए बहुत ही जोरदार ताकत लगा रहे हैं, और उसमें अगर वो कामयाब नहीं हुए तो कुछ न कुछ उनके साथ निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पे नुकसान होने वाला है। देखिए, पिछले 6 साल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो चाहा वो हासिल किया है, और वो लगातार अपने हिसाब से अपनी मर्जी से सरकार चलाते आए हैं। लेकिन बड़ौदा का चुनाव उनके लिए अब तक के 6 साल के शासनकाल में सबसे बड़ी चुनौती है। वो चुनौती इसलिए है क्योंकि वे यह उपचुनाव उस जमीन पर लड़ रहे हैं जहां पर आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। बड़ौदा हल्का वो हल्का है जहां पर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के तूफान के बावजूद बड़ौदा हल्के में भूपेंद्र हुड्डा को 18,000 की लीड मिली थी, और यहाँ पर तमाम कोशिशों के बावजूद लीड हासिल नहीं कर पाई थी। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ग्रो तो किया, लेकिन उनके जो वोट जो 50,000 से घटके 38,000 पर आ गए और बीजेपी 5,000 वोटों से चुनाव हार गई। अब उपचुनाव में जीत हासिल करना, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें हरज्ञान जी, तो इस बार बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, और उस हिसाब से दोनों का अगर 2019 का अगर हम दोनों का वोटों का जो जोड़ लगाएं वो 70,000 बनता है, जबकि कांग्रेस को 42,000 वोट मिले थे। अगर आंकड़ों को देखें तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जीत बिल्कुल आसान नजर आती है, लेकिन जब हम धरातल पर जाते हैं, जब हम बड़ौदा हल्के गांव की खाक जानते हैं, तो हालात और माहौल कुछ अलग नजर आता है। इसमें ऐसा है जनाब, ये जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था ना पहले, वो पहले किसी अलग प्लानिंग के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था, और अब जो इलेक्शन है वो दूसरे विपरीत हालातों में हो रहा है। विपरीत हालात ये है कि आज सरकार हर तरह से गिरी हुई है, कोरोना को लेके भी, किसान को लेके भी, एजुकेशन को लेके, देश की जीडीपी चली गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मतलब हर तरह से गिरी हुई है। चारों तरफ लोग आंदोलन पे उतारू हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रोज सड़कों पे आ रहे हैं, डंडे पुलिस की गोली लाठी से भी निंड रहे हैं सरकार। तो इन हालात में सरकार की बहुत वो खिलाफत हो रही है, उसमें अब दोनों ही दल बैकफुट पे चले गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जो जेजेपी के जो 32,000 वोट जो बड़ौदा में मिले थे, वो वोटर खास तौर पर बीजेपी के खिलाफ के वोट थे, लोगों ने बीजेपी के विरोध में वोट दिए थे, और ये भी कह सकते हैं कि एक जो भूपेंद्र हुड्डा का जो एक गढ़ था, उस गढ़ में कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी वोट दिया, लेकिन वो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ के वोट नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे जो श्री कृष्ण हुड्डा, उनके जो है विरोध करने वाला जो यहाँ पर लोकल और बाहरी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे के कारण जो कांग्रेस का एक लगभग 20 से 25,000 का जो वोट बैंक था,
कहीं ना कहीं वो भूपेंद्र मलिक कांग्रेस के पुराने वर्कर नेता रहे हैं, तो जब वो जेजेपी पर लड़े तो उनको इसलिए 32,000 वोट मिल गए, वरना लोकसभा चुनाव में जेजेपी को सिर्फ 6,000 वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं जो वोट मिले जेजेपी को वो बीजेपी और जेजेपी के नेता 70,000 की काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जमीनी लेवल पर वो कहीं ना कहीं वोट बैंक वो बीजेपी के विरोध में था, तो उसके लिए एक बड़ा ऐसा लगता है कि वो बीजेपी को वोट जेजेपी के नहीं मिल पाएंगे। नहीं जनाब, यहाँ ऐसा है कि आप जो वोटों की काउंटिंग करेंगे ना, तो यहाँ आप बीजेपी प्लस जेजेपी मत जोड़ें, कांग्रेस प्लस जेजेपी जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा भाई ये वोट इधर हैं, क्योंकि ये एक पाले के वोट थे और जो दूसरे बीजेपी के पास जो आए थे वो एक पाले के वोट हैं। नहीं, उसमें भी हमें जो है तीन हिस्से करने पड़ेंगे। पहला हिस्सा, जिन लोगों ने श्री कृष्ण हुड्डा के लोकल और भारी मुद्दे पर श्री कृष्ण हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस के वोटरों ने वोट दिया, पहला हिस्सा तो वो हो गया। वो 32,000 में से आप ये मान के चले कि 60% करीब वोटर थे। तो उसके बाद दूसरा हिस्सा है जो भूपेंद्र मलिक के जो गांव के गुहांड के जो वोट थे। आप देखिए लोकसभा चुनाव में जो बैसवाड़ गांव जो भूपेंद्र मलिक का गांव है, उस गांव में लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को 3100 वोटों की लीड मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्योंकि योगेश्वर दत्त और भूपेंद्र मलिक दोनों ही बैसवाड़ के दोनों बच्चे हैं, तो दोनों ने जो है लगभग 1900-1900 बराबर वोट लिए और वहां पर कांग्रेस 700 वोटों पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं उसी मुद्दे पर आ गया कि जो वोट जो कहीं जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला था वो भूपेंद्र मलिक के कारण विधानसभा चुनाव में जेजेपी साइड खिसक गया। जो मैं यही कह रहा हूँ कि ये वोट जो है ना, उस समय सारा वोट जो है दोनों आप जो कह रहे हैं वो लगभग बीजेपी के विरोध में वोट पड़ा था, और अब जो वो दोनों जाके मिल गए हैं तो वोटर जो है ना असमंजस में भी है कि कांग्रेस ही देखूं या दूसरा अल्टरनेट देवीलाल का जो बचा हुआ है उसको देखूं। नहीं, तो जो तीसरा वोट बैंक था जो जेजेपी का जो 6,000 का वोट बैंक था, कहने की उस वोट बैंक में भी जो किसानों में नाराजगी आई है, चुनौती ये भी जो 6,000 का जो बेसिक वोट बैंक था क्या वो भी बीजेपी को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? नहीं, वो बीजेपी वो नहीं मिलेगा, किसानों में दिक्कत आई है, वो तो जाएगा तो अभय चौटाला के पास जाएगा, नहीं तो कांग्रेस में आएगा, दोनों में से ही बात। कांग्रेस में तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये एक ऐसा वोट बैंक रहा है बड़ौदा हल्के के अंदर, लगभग 10,000 वोटर हमेशा ही वो हमेशा वो भूपेंद्र हुड्डा परिवार के खिलाफ एक वो जाता है ना, जैसे बंसीलाल बनाम विरोध, ऐसे ही जो इस हल्के के अंदर बड़ौदा के अंदर स्टार्टिंग से जो है भूपेंद्र हुड्डा परिवार की मजबूत ताकत रही है, तो उनके खिलाफ एक 8 वोटरों का एक 10,000 का वोट बैंक लगभग 8-10 का खिलाफ रहा है। यह बात आपकी सही है कि वो वोट बैंक जो है वो जो जेजेपी से नाराज होगा वो कहीं ना कहीं इनेलो की सड़ जा सकता है। इनेलो के पास जाने का मैं भी यही कह रहा हूँ, या तो इनेलो के पास जाएगा फर्स्ट, क्योंकि प्रायोरिटी वही रहेगी, फिर भी कोई आदमी चाहेगा कि ये जीतने वाले कैंडिडेट की जो फल होता है, जो लगता है कि ये जीत रहा है, उसकी तरफ वोट का 2-3% फ्लो अपने आप जाता है, तो उसमें वो वोट उस फ्लो में बह के आ सकते हैं कांग्रेस के फ्लो। अच्छा, एक मुद्दा जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए भी एक बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि प्रत्याशी किसको बनाए, क्योंकि यहाँ पर जो है साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर योगेश्वर दत्त को अप्रत्यक्ष आशीर्वाद देकर जा चुके हैं, लेकिन हालात ये है कि जब तक वो जाट वोटरों का अगर बड़ा हिस्सा नहीं लेंगे तब तक वो चुनाव नहीं जीत सकते, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन तो ये है जाट वोटर बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो योगेश्वर दत्त को ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ऑलरेडी तय मान के चल रहे हैं वो बीजेपी वाले। नहीं देखिए, लेकिन अगर जाट वोटर अगर नहीं मिलेंगे हल्के में, लगभग जो है 1,00,000 जाट वोटर हैं, अगर जाट वोटर बीजेपी को नहीं जाएंगे तो बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी? हाँ, ये तो सही है, चुनाव तभी तो नहीं जीत रही बीजेपी, ये संकट यही है कि वो जीत नहीं रही है। नहीं देखिए हरज्ञान जी, क्या होता है कि जो चुनाव होता है उसमें आपने पहले जो कहा कि चुनाव जो सरकार का चुनाव होता है, और आमतौर पर 90% जो है हमेशा सरकार चुनाव जीतती आई है। Yes. तो उस कंडीशन में आप ये बताइए कि अगर सरकार के मान लिया कि यहाँ पर हालात विपरीत हैं, लेकिन देखिए सरकार आसानी से हथियार तो नहीं डालेगी। मैं ये कहता हूँ जनाब, अगर वो सरकार और किसी को चुनती है, जाटों में से चुनती है, तो कोई कैंडिडेट आने को तैयार नहीं, हालत ये है। ऐसी बात नहीं है, जो बीजेपी जेजेपी पास जो है, ठीक है कि जो बीजेपी के जो जाट चेहरे थे जो है कपूर सिंह नरवाल, वो कहीं ना कहीं जो है खामोश होकर बैठ गए हैं, उन्हें महसूस हो गया कि बीजेपी के झंडे के नीचे उन्हें जो है बीजेपी के निशान पर जाट वोट नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन जो जेजेपी के जो दो बड़े चेहरे हैं, वो चाहे डॉक्टर केसी बांगड़ है चाहे भूपेंद्र मलिक हैं, दोनों चाहते कि चुनाव लड़े, क्योंकि भूपेंद्र मलिक को ये विश्वास है कि 32,000 वोट मेरे को मिले थे और मेरे को अगर टिकट मिलेगी तो जहां बीजेपी के वोट मेरे को पूरे पूरे मिलेंगे, वहीं जो जेजेपी मेरे को जो गांव गुआंड के गोद के वोट मिले थे वो भी मुझे मिलेंगे, तो इसलिए वो दावेदारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर केसी बांगड़ भी ये सोचते हैं कि भाई मैं
अपना जो बुटाना 12 के जो गांव हैं उनसे मैं अच्छे वोट लूंगा, जाट वोट लूंगा और बीजेपी के वोट बैंक के साथ मिलकर चुनाव जीत लूंगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर वो उनके आदमी को, जेजेपी के आदमी को टिकट देते हैं तो बीजेपी की कहां साख बचती है इसमें, कि सरकार के पास एक उम्मीदवार नहीं था बीजेपी के पास जो वहां से चुनाव लड़े और जीते हारे तो बाद की बात होती है, पहले तो उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लिया कि अगर योगेश्वर दत्त की टिकट काट कर अगर जेजेपी के किसी चेहरे को या किसी बीजेपी के जाट नेता को टिकट दी जाती है तो सवाल ये है कि क्या जो नॉन जाट वोटर था जो अब बीजेपी के पड़े में जा चुका है काफी तौर पे, तो क्या वो बीजेपी के साथ डटा रहेगा? इसमें कुछ हद तक ये मान सकता हूँ बीसी वोटर उनके साथ अब भी खड़े रहेंगे और बाद में भी रह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो ब्राह्मण वोटर है 18 से 20 हजार वोटर है उनका क्या रहेगा? वो नुकसान होने वाला है अगर वो दूसरे जाट को देते हैं, किसी जाट उम्मीदवार को टिकट दी जाती है बीजेपी की तरफ से, तो ब्राह्मण वोट का कम से कम 5-10% तक वोट नुकसान हो सकता है। देखो 5-10% में कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तब है अगर जो 40-50% अगर वोट जो है बीजेपी से कांग्रेस में शिफ्ट होते हैं तो बड़ा नुकसान है। 5-10% की चिंता तो बीजेपी नहीं करेगी, जो उससे ज्यादा नहीं है वो, क्योंकि वो भी लोग जुड़े हुए हैं। नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप जब पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो सिर्फ क्या है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था और जो अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, दो चुनाव ऐसे थे यहाँ पर जो 6 गांव हैं वो ब्राह्मण बहुल गांव हैं जी। तो इन 6 गांव के अंदर जो है जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर जाट और गैर जाट का मुद्दा यहाँ पे बन गया था सोनीपत सीट पर, इसी तरह विधानसभा चुनाव में योगेश्वर दत्त ब्राह्मण चेहरे थे, तो 6 के 6 गांव में दोनों चुनाव में एक तरफा वोट जो है बीजेपी को मिले। लेकिन उससे पहले के जो तमाम चुनाव थे ब्राह्मण जो बहुल जो गांव है समय कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा, तो पारंपरिक तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। लेकिन 2014 के बाद जो है 2014 के जो चुनाव था उसमें भी ब्राह्मणों के जो गांव थे उनमें कहीं ना कहीं वोट जो कांग्रेस को ज्यादा मिले थे। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव था और बाद में जो विधानसभा चुनाव था उसमें हालात बदले, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर योगेश्वर दत्त की टिकट कटी तो ब्राह्मण बोल गांव में कहीं ना कहीं बराबर की टक्कर ना बन जाए। मैं ये कहना चाहता हूं जनाब कि क्योंकि ये ब्राह्मण जो वोट हैं ब्राह्मणों के ये हमेशा कांग्रेस के साथ रहे पहले तो, लेकिन अब जब बीजेपी उभार पे आई है तब से ये इनका टर्न ले रहे हैं ये और उसका बहुमत वोट उस तरफ जाना शुरू हो गया है। देखिए वो तो आप देखिए कि रोहतक के अंदर भी इनका ब्राह्मण जो है एमपी हैं, इधर से सोनीपत के बीच में इसको सिख ब्राह्मण एमपी हैं, जिला अध्यक्ष उन्होंने ब्राह्मण को मोहनलाल बड़ोली को बनाया है और इसीलिए योगेश्वर दत्त बड़े खिलाड़ी भी हैं, तो उन्होंने खुद फोकस तो किया है। लेकिन सवाल ये कि अगर ब्राह्मण चेहरे की टिकट करती है तो क्या ब्राह्मण साथ में बने रहेंगे? सभी तो नहीं बने रहेंगे लेकिन 10-15% तक नुकसान होने वाला है उनको इसमें ब्राह्मण वोटों का, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो फिर और किसी कास्ट का कोई ब्राह्मण आ जाएगा तो उसके साथ चले जाएंगे। तो बीजेपी की जीत का फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला तो यही है कि भाई किसी जेजेपी के किसी कैंडिडेट को वो टिकट दें, उसमें भी ब्राह्मण ढूंढें तो हो सकता है। फिर फायदा क्या, ब्राह्मण तो आपके पास बीजेपी का पहले ही है, जेजेपी का ढूंढे उसमें क्या, ब्राह्मण तो किसी पार्टी का है तो बात हो ही रही, बात तो जाट वोटरों को लेने की है ना। कोई फार्मूला लगता नहीं जनाब ऐसा कि वहाँ जीत की संभावना है, ऐसा लगता नहीं आज तक तो, आज के हालात में। कल कोई चीज बदल जाती है, कोई हालात, कोई घटना, कोई ऐसी कोई कैंडिडेट नया टाइप का, ऐसा कोई यानी कोई कह सकते हैं आप उसको कि भाई कोई भी चीज चेंज हो जाता, चीजें सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कुछ हो जाए। देखिए बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बेहद गंभीर हैं, उन्होंने जहां उपचुनाव की जिम्मेदारी अपने सबसे खासम खास संजय भाटिया सांसद करनाल को लगाई है, इसके अलावा जेपी दलाल को प्रभारी बनाया है और पिछले 2 महीने के दौरान बड़ौदा विधानसभा हलके में विकास के ताबड़तोड़ काम हुए हैं, लगभग 250 से 300 करोड़ की विकास योजनाओं को अमली जमा पहनाया गया है। जो बीजेपी सरकार पर आरोप लगते थे कि विकास कार्यों के लेकर बड़ौदा की अनदेखी हुई है, उस अनदेखी को ढकने का काम पूरा प्रयास किया है बीजेपी ने। और मुख्यमंत्री ने विकास के अलावा फिर ये देखा कि भी कहीं ना कहीं सरकार की भागीदारी के मुद्दे को बनाकर चुनाव को जीता जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है विनिंग कम्बिनेशन, जीत का फार्मूला। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो प्रत्याशी किसे बनाएं। अगर वो योगेश्वर दत्त को टिकट देते हैं तो बगैर जाट वोटरों के सपोर्ट के गठबंधन का प्रत्याशी नहीं जीत सकता। अगर वो जेजेपी के किसी जाट चेहरे को टिकट देते हैं तो ब्राह्मण वोटरों को खींचने का खतरा है। तो हालात जो थे एक समस्या है यहाँ,
योगेश्वर दत्त ने पिछले चुनाव में जो अपनी छवि, नहीं तो लगभग वो जीतने वाले थे, पिछली छवि, पिछली अपनी जो छवि है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण कट्टर ब्राह्मण की बनाई। नहीं देखिए, योगेश्वर दत्त ने कभी ऐसा अपने आभास नहीं होने दिया। अपने आसपास जो लोग रखे थे ब्राह्मण थे, वो दायरा, वो कहने की उनसे गलती रही कि जो जो दायरा उनके आसपास का होना चाहिए था, वो सभी सभी जातियों का होना चाहिए था, क्योंकि खिलाड़ी हर धर्म और जात से ऊपर होता है, तो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई, और चूक की वजह से उनके ऊपर ब्राह्मण नेता का जो एक जो ठप्पा लग गया। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए ये चुनाव हर हाल में जीतना बहुत जरूरी है, और उस चुनाव को जीतने के लिए उनके पास एक ही जो है एक रास्ता नजर आता है कि कांग्रेस कोई बड़ी गलती करे। जी हाँ, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन किसान आंदोलन के कारण फंस गए हैं, और वो उनको यही लगता है कि कांग्रेस अगर कोई प्रत्याशी चयन में बड़ी गलती करती है तो उनके लिए रास्ता निकलेगा। जी हाँ, जीत का फार्मूला कहीं ना कहीं यहीं पर छुपा हुआ है, यहीं पर छुपा हुआ करके जब वो, तो ये कह सकते हैं कि बड़ौदा का उपचुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए निश्चित तौर पर चक्रव्यूह है। अगर वो जीत गए तो चमत्कार हो गया, और चमत्कार होगा तो वो बड़े नेताओं की श्रेणी में शामिल होंगे, लेकिन हार गए तो उनके लिए कुर्सियों खतरा पैदा होगा, क्योंकि उन पार्टी के जो अंदर के विरोधी हैं वो इनके सीट में चुनाव में सरकार के हार के बावजूद उन पर सवालिया निशान खड़े करेंगे, और मुख्यमंत्री के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। जी जी, आज का जो दूसरा मुद्दा था ज्ञान जी, वो था महम के अंदर, महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का भूख हड़ताल और अनशन। बलराज कुंडू ने स्टार्टिंग में सरकार को समर्थन दिया था, और बाद में वो मुनीश ग्रोवर के साथ 36 के आंकड़े के चलते कहीं ना कहीं वो सरकार से टकराहट होगी, और उसके बाद वो बगावत के रास्ते पर चल पड़े, खिलाफत के रास्ते पर चल पड़े। क्या कारण है, खिलाफत में क्यों है वो? खिलाफत में तो यह है कि जैसे उन्होंने जो जो सरकार उनसे आश्वासन दिया था टिकट मिलेगी, ग्रोवर ने उसकी टिकट कटवा दी। एक तो पहली तो वहीं से शुरुआत हो गई थी, दूसरा जब उसको बनने के बाद सबसे पहले सपोर्ट करने वाला था सरकार को, सरकार ने उसको कोई महत्व नहीं दिया, यानी ग्रोवर जी ने उनको जो है मंत्री भी नहीं बनने दिया, कहीं जो रणजीत सिंह बने तो कहीं की नजर उस पर थी कहीं। हाँ, तो उसको वो भी नेग्लिजेंसी की, उसका उसको उसको लगा कि बलराज को ये तो मेरे साथ ज्यादती हो रही है, फिर ऊपर से मुकदमे दर्ज करवा दिए, आरोप लगाने शुरू कर दिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो फिर उन हालात में बलराज कुंडू के पास कोई विकल्प नहीं था कि सरकार से अपना किनारा करे और अपनी जमीन खुद तलाशे। बलराज कुंडू ने आज जो भूख हड़ताल स्टार्ट की थी उसके ऊपर योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता, राकेश टिकैत और यूपी के समाजवादी पार्टी के विधायक, कई बड़े चेहरे वहां पर देखे गए, तो कहीं ना कहीं आज बलराज कुंडू ने अपना दायरा, अपना मंच का एक जो प्लेटफार्म का बड़ा आकार देने का, बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश की। लेकिन अर्ज्ञान जी, अलग रास्ता बनाने में हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक गुंजाइश तो है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। चुनौतियों तो सबसे पहले यहाँ जो ना बलराज कुंडू के पास जो सबसे पहली बड़ी वो व्यवस्था है कि उसके पास पैसे की आर्थिक संकट नहीं आएगा इस गठबंधन में। अलग से मंच बनाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, हाँ, वो आर्थिक संकट नहीं आएगा, उसके पास भरपूर है। दूसरा जो चाहिए कि उसको अपने संगठन को इतना मजबूत कैसे बनाएंगे कि वो सभी दलों को नकार के एक अलग से छवि बनाए। अगर उसने अलग से नहीं बनाई तो भी यहाँ कोई वजूद नहीं है हरियाणा में, फिर तो बीजेपी कांग्रेस ही रहेंगी। और अगर अलग से वजूद नहीं बनाया, अगर बनाएगा तो उसने कांग्रेस को कैसे, कांग्रेस जैसे संगठन को कैसे नकार सकता है जिसका बहुत बड़ा कार्यकर्ता यहाँ हरियाणा में खड़ा है। बलराज कुंडू के लिए जब 5-5 चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तरफ उनको जो है सरकार की खिलाफत करनी है, दूसरा कांग्रेस इनेलो और जेजेपी के जो संगठन तौर पर जो मजबूत पार्टियां हैं उनके साथ उनको टक्कर लेनी है, क्योंकि दोनों चीजों में अगर आपको उनसे आगे निकलना है विपक्षी दलों से, तो आपके पास एक तो मजबूत साथी नेताओं की टीम होनी चाहिए, या तो आप जो है विपक्षी दलों के साथ चलो ताकि सरकार के खिलाफ आप में। उसका जो मेरा अंदाजा ये है, उसने जो सोचा है, हम एक बार ऐसा अपना ब्योंत, जिसने कहा हरियाणा में ब्योंत कहते हैं, ऐसा ब्योंत बना लिया कि जो बड़े दलों के साथ समझौता करने की पोजीशन में आ जाएं। चुनाव लड़ने के दौरान समझौता हो जाता है तो फिर उसके बाद सरकार बनाने में आसानी रहती है और उसके पक्ष में भी जनता आ जाती है। देखिए अर्ज्ञान जी, क्या है कि अगर बलराज कुंडू किसी कोई मंच बनाना चाहते हैं, कोई फोर्थ फ्रंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो निर्दलीय जो विधायक हैं उनको साथ लेना पड़ेगा, कुछ जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जो घर बैठे हैं उनको साथ लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या बसपा जैसे जो छोटे दल हैं उनके साथ जो है
एक मिलकर एक जो है आपको गठबंधन बनाना पड़ेगा, तभी तो कोई रास्ता निकल पाएगा ना। हाँ, उसको अपनी ताकत का एहसास कराना होगा, पहले लोग इकट्ठे करके जन समर्थन जुटाने के दिखाना होगा कि भी देखो ये हम हैं। उसके बाद जब भी वो कोई मंच बनाएगा जो भी कुछ भी करेंगे उसके साथ लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और पोलिटिकल जो माइनॉरिटी है, पोलिटिकल माइनॉरिटी जो छोटे लोग हैं जिनके पास छोटे छोटे भी होते हैं, कोई आरएसपी है, कोई ओआरएसपी है, उनको सबको नेता ठीक है, उनमें ईमानदार हैं, छवि ठीक है, उन लोगों को लेके जैसे ये यादव जी हैं, इस तरह के लोग जो ईमानदार लोग हैं और राजनीति में मेहनत भी जानते हैं, सियाने भी हैं, हरियाणा में जिनको सियाने कहते हो, सियाने भी हैं यादव जी, तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो रास्ता कोई निकाल सकते हैं। बलराज कुंडू ने आज महम में जो अनशन शुरू किया था उसकी एक उन्होंने अच्छी शुरुआत की, उसमें कई बड़े बड़े चेहरे देखने को मिले। बलराज कुंडू एक जो है एक बड़ी चुनौती को लेकर चले हैं और उस चुनौती के रास्ते में जहां उन्हें सरकार से बड़ी ऊंची टक्कर लेनी है, वहीं विपक्षी दलों के दायरे को भी पार करना है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी तक जो है बड़े बड़े परिवार, चाहे वो बंसीलाल परिवार है, चाहे वो भजनलाल परिवार है, वो अपनी अलग पार्टियां नहीं चला पाए। यहां तक कि अहिरवाल में 1967 के दौर में अभी जो राव बीरेंद्र सिंह अपनी पार्टी नहीं चला पाए, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां उनको सामने आएंगी, उनको पार करना पड़ेगा। लेकिन यह भी संभावना हर जगह मौजूद होती है, बलराज कुंडू अगर सही दिशा में बढ़े, सही लोगों को साथ लेकर बढ़े और सही मुद्दों को लेकर आगे बढ़े तो उन्हें जनता का समर्थन हासिल हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने छोटे कहीं ना कहीं गलतियां की, गलत सलाहकार रखे और गलत मुद्दों को पकड़ा तो हरियाणा की जनता उनको रिजेक्ट भी कर सकती है। देखना यह कि बलराज कुंडू जो एक उन्होंने सफर तय किया है उस सफर को कैसे तय करते हैं और कौन सी मंजिल पर वो लक्ष्य साधते हैं। आज के लिए खरी खरी के नोटिस बोर्ड कार्यक्रम के लिए आज इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।